नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर वसुंधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर रसशास्त्र डिपार्टमेंट ऑफ महेश्वरी कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको महेश्वरी कल्पना के ही प्रैक्टिकल तौर पे बिल्वादी तेल की प्रिपरेशंस बताने जा रही हूँ, जिसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बिल्वादी तेल, जो कि एक पूर्णतः प्रैक्टिकल सेशन है। ओके, तो हम जो बिलवादी तेल का जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया शारंगधर मध्यम खंड से। तो इसमें श्लोक में कहा गया, अथ बिलवाद्यम तैलम बाधेरे बाल बिलवानी गौमूत्रे पिष्टा तैलम विपाचिये सा अजा शीरम च नीरम च बाधेर्यम हंति पूर्ण। तो अथ बिलवादी तेल, मतलब बिलवादी तेल का जो निर्दिष्ट कहा गया है वो किसमें कहा गया, आपके बाध्य में कहा गया है। तो जब आपके बाध्य मतलब ठीक है डिफनेस में कहा गया है, और इसमें बेसिकली आपके क्या रहेगा कि बाल बिलवानी मतलब कच्चा जो बिल्व है उसको गौमूत्रे पिष्टे गौमूत्र में पीस करके, गौमूत्र में पीस करके तैलम विपाचे तैल में विपाचन करे स अज क्षीरम च नीरम च बाधिर्यम हंति पूर्णांत। और इसको फिर किसमें करेंगे, अजाशीर मतलब बकरी के दूध एंड नीर उस जल में जब हम पाक करते हैं, तो इस प्रकार से आपका जो है बिलवादी तेल की सिद्धि होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि इसमें जो है दीपिका इसके टीका में लिखा है, अत बाल बिल्व तैलम यथा बालेति बाल बिलवानी चे बिल्व शलाटुनी, मतलब कच्चा बिल्व लेना है तानि गौमूत्रण कल की कृतानी गौमूत्र ने च तैलम पाच्यानी च तैलम अत्र सार्षक पूर्वम। और मतलब कई जगह क्या होता है, तैल की जगह अगर कुछ ना हो तो सरसप तैल का निर्देश कहा है, अजा शीरम तैला चतुर्गुणम, और अजा शीर जो है और जो नीर है वो किसके तेल के चार गुना लेंगे प्रत्येक को अलग अलग तरीके से, 4 टाइम वाटर और 4 टाइम ही क्या लेंगे अचार दूध लेंगे। कुत्र चिज्जल पाकम च दृश्यते केवलम क्षीर पाकम बिल्व कल्प पाके संप्रदायो वृद्धानाम, और बिल पाक इसमें प्रथम इसमें तत्यांतरम फलम बिल्वस्य मुद्रण पिष्टा तैलम विपाचित स क्षीरम तच्च विपाचित पूर्ण कर पूर्णम अत्र नीरम मुक्तम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बिलवादी तेल की इसेंशियल सामग्री। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्क द्रव है, तो कल्क द्रव में पल्प ऑफ रॉड ड्रग्स, सेकंड में आपका क्या रहेगा आपका स्नेह द्रव्य लिपिड रहेगा, एंड स्नेह द्रव्य लिपिड और लिपिड द्रव द्रव्य में लिक्विड मीडिया के तौर पे रहा जाएगा। तो इसका पहला जो इंग्रेडिएंट है आपका कल्क द्रव्य, दूसरा इंग्रेडिएंट जो होगा स्नेह द्रव्य होगा, तीसरा होगा द्रव द्रव्य। तो कल्क द्रव्य, स्नेह द्रव्य एंड द्रव द्रव्य, इस तरह से ये 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलें, इसमें आपका क्या रहेगा क्वालिटी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। तो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रहेगा, अनराइप बिल्व फ्रूट पल्प, मतलब जो कच्चा बिल्व रहेगा, तो कच्चा बिल्व हमने लिया है 125 ग्राम इनिशियल वे में। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकंड पार्ट में रहेगा आपका अजा दूध जो है आपका 4 लीटर यूज किया जाएगा, गौमूत्र होगा 50 ml, गौमूत्र 50 ml यूज किया जा रहा है किस वे में, आपके जो है कच्चे बिल्व के जो फ्रूट पल्प है उसकी उसको गौमूत्र के साथ क्या जी है भावित किया जा रहा है, उसकी भावना दी जा रही है गौमूत्र की किसमें, कच्चे बिल्व में। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ इंग्रेडिएंट आपका रहेगा वाटर, जो कि कितना रहेगा आपका 4 लीटर रहेगा। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जो अचाशीर है और जो नीर है मतलब जल है वो प्रत्येक के 4 गुना भाग में रहेगा अलग अलग मात्रा में, और तिल तेल यहाँ पर हम लेंगे 1 लीटर की मात्रा में लेंगे। तो 1 लीटर का 4 गुना कितना, 4 लीटर, तो दोनों चीजें हमने 4 लीटर लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज वो बिल्व है। हम बिल्व के जब इंट्रोडक्शन की बात करें जिसमें लैटिन नेम एग्ली मैम्यूल है, इंग्लिश नेम्स बताए हैं इसकी, इसकी फैमिली है रूटेसी है, रस में मधुर है, गुण में सग्रंथि उष्ण वीर है, विपाक मधुर है, फ्रूट फ्रूट्स ये सब बताएं इसमें ना, मार्मेसिन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं रूटीन एंड मार्मेसिन, क्योंकि इसमें एक्ली मार्मियोल्स है और मार्मेसी रूटेसिस की फैमिली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। तो फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपका क्या रहेगा, फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर में आपका
पूर्व कर्म, तो पूर्व कर्म में पहला कर्म आपका रहेगा पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म में हमने सबसे पहले क्या किया था, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल में आपका तिल तेल आ गया, और आपका जो है बिल्व, बिल्व कहाँ से कलेक्ट करे हमने, ये सब है ना। तो कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ पॉट में फ्रॉम लोकल एरिया ऑफ जामनगर, इक्यूमा, ठीक है। एंड देन इसका इक्विपमेंट्स, नाइफ, ट्रे एंड एसेस वेसल, लैडल, गैस गैस स्टोव, कॉटन क्लोथ लिया जाएगा, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ द्रव द्रव्य, प्रिपरेशन ऑफ कल्क द्रव्य, ओके। तो आपके द्रव द्रव्य और जो कल्क द्रव्य रहेगा। अब इसके बाद बात आती है प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म में बेसिकली हम अग्नि, अग्नि को लिया जाए, अग्नि को मेंटेन की मेंटेनिंग प्रॉपर हीट ऑन ऑयल वॉज कंटिन्यूअसली स्टिर्ड बाय लैडल ऑन मिडिल माइल्ड फायर टिल तैल सिद्धि लक्षण। तो जब तक कि हमें मंदाग्नि पर पाक करना है, जब तक कि हमें तैल सिद्धि के लक्षण नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमें क्या करना है, मंदाग्नि पर पाक करना है, ओके। तो इसके बाद करते हैं प्रधान जो है पश्चात कर्म। तो प्रधान कर्म में हमने हीट को बैलेंस किया था, अब पश्चात कर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसको जो आपका रहेगा पश्चात कर्म में फिल्टरिंग विथ क्लोथ्स, तो आप कॉटन क्लोथ से फिल्टर करेंगे, स्टोरेज आफ्टर शाफ्ट कूलिंग, आपका पश्चात कर्म में काउंट होगा। अब इसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर, प्रोसेसर में आप सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल फ्रूट वॉज कलेक्टेड, ठीक है। तो बिल फ्रूट कलेक्ट किया गया, देन उसके बाद आउटर रिंग वॉज रिमूव एंड बिल्व मज्जा वट कट इंटू स्मॉल पीसेस। तो बिल्व फल मज्जा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, ठीक है, कलेक्शन के बाद में। एंड देन उसके बाद उसको क्या किया, स्मॉल पीसेस ऑफ बिल्व मज्जा वॉज एडेड इन गौमूत्र, और बिल्व मज्जा में क्या किया, स्मॉल पीसेस इसके गौमूत्र के, बिल्व मज्जा के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट किया। एंड देन कल्क वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग मिक्सर, और कल्क मिक्सर में किया। देन मस्टर्ड वॉज ऑयल वॉज हीटेड ऑन फायर माइल्ड फायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए सरसों तेल का इंडिकेशन किया दीपिका में, तो हम सरसों तेल यूज कर रहे हैं। एंड आफ्टर रिमूव द फ्रॉम फायर अलाउ टू सेल्फ कूल, और उसे ठंडा होने देते हैं, प्रॉपरली पुट ऑन फायर, मतलब सबसे पहले तेल गर्म करना है, देन उसके बाद तेल को क्या करना है, ठंडा कर देना है। ठंडा होने के बाद हम उसमें कल्क ऐड करेंगे, देन कल्क ऐड करने पर हम उसमें क्या करेंगे, उसका पाक करेंगे। पाक होगा जब जो आपका कल्क, कल्क का पाक किया जाएगा, तेल का मूर्छन किया जाएगा, किसके साथ, कल्क के साथ। कल्क का मूर्छन करने के बाद हम क्या करेंगे, देन 4 टाइम वाटर वॉज एडेड इट टू पाक, और 4 गुना पानी इसमें पाक के लिए ऐड करेंगे। देन सेकेंड डे ऑफ पाक वॉम गॉट मिल्क, और सेकेंड डे नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, इसमें दूसरे दिन जो गॉट मिल्क है उसको ऐड किया गया, विच वॉज इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि पानी के समान मात्रा में है आफ्टर एडिशन ऑफ अचा दूध, और इसमें अचा दूध को ऐड किया गया। एंड देन उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक चेंजेस, और तेल पाक के दौरान हमें बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिले, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो व्हाइटिश क्रीमिश कलर का था, देन वो पेल येलो कलर का हो गया, फिर थोड़ा डार्क येलो में कन्वर्ट हो गया, एंड देन जब तेल से दिख लक्षण आया तो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, फिर जस्ट लाइक लास्ट स्टेज पे आने के बाद वो चॉकलेटी ब्राउन में कन्वर्ट हुआ, ओके। अब इसके बाद कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो इसमें 4 डेज का कंटिन्यूएशन पाक रहेगा, ठीक है, इसमें 3 आवर्स एंड डे रहेगा, है ना। तो हमें कितने दिन पाक कर किया गया, इसे 4 दिन पकाया गया, और लगभग 3 घंटे का पाक पर डे किया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सिद्धि लक्षण है, तो सिद्धि लक्षण अपीयर हुए, देन इट वॉज रिमूव। जब सिद्धि लक्षण प्रकट हुए तो सिद्धि लक्षण के सिद्धि लक्षण में क्या बताया, तरह सिद्धि उन पर फेन उद्गम होगा, ठीक है, जबकि गृहस्थ सिद्धि में फेन शांति, यहाँ क्या होगा, फेन उद्गम, मतलब जो फ्लोदिंग अपीयर होगी, और आपके पाक अवस्था में तेल की सरफेस पे। और उसके अलावा क्या होगी, कल्क की प्रॉपर वर्ती बनेगी, कल्क की प्रॉपर वर्ती बनेगी, और अग्नि निक्षिप्ते, तो जब आप उस वर्ती को आग पर डालेंगे, ऐड करेंगे अग्नि, अग्नि पर उसको प्रक्षिप्त किया जाएगा, तो उस दौरान उसमें क्या होगी, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, चट चट की आवाज नहीं आनी चाहिए। उसका जो है व्हाइट पेपर टेस्ट किया जाता है, पेपर टेस्ट किया जाता है, तो उसमें भी कोई आपको फ्लेम नहीं दिखनी चाहिए, लाइन्स नहीं दिखनी चाहिए, दैट इज सिद्धि लक्षण। तो मैंने सिद्धि लक्षण वॉज अपियर एंड इट वॉज रिमूव फ्रॉम द फायर, और इसे फायर से हटा दिया जाता है आफ्टर फ्यू मिनट इन स्लाइट हॉट, और इसे कुछ समय में इसे स्लाइटली हॉट होगा, इट वॉज फिल्टर्ड थ्रू कॉटन क्लॉथ, और इसे कॉटन के युद्ध की सहायता से फिल्टर्ड कर दिया जाता है आफ्टर सेल्फ कूलिंग, इट वॉज स्टोर्ड इन क्लीन एयर टाइट कंटेनर, और जब इसे
पूर्णतः कंप्लीटली ठंडा हो जाने के पश्चात इसे एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर किया गया। अब इसके बाद बात करें सिद्धि लक्षण ऑफ तैल, तो हमने पहले प्रीवियस डे भी बात की थी सिद्धि लक्षण ऑफ तैल में, तो वर्तीवत स्नेह कलकम स्याद अंगुल्या विमर्दित है, तो वर्तीवत तो वर्ती की तरह स्नेह की क्या बन जाए, जो कल की क्या बन जाए, वर्ती बन जाए। स्याद जब अंगुलियों से आप इस तरह से आप मर्दन करेंगे, अंगुलियों से मर्दन करने पर उसकी वर्ती बननी चाहिए। शब्दहीन हो अपनी निक्षिप्त, जब अग्नि पर उसे प्रक्षिप्त करें तो निक्षिप्त डालें वर्ती को, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होना, तो स्नेह भविष्य का यदा फेनोद्गम स्थल फेन उद्गम होगा, फेनी शांति शर्पिशी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है गंधवन रसोत्पत्ति, मतलब बिल्ब की तेल की सब जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं उसमें गंध प्रॉपर गंधवन रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। किसी का भी पाक खर पाक नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पाक त्रिविधा, तीन तरह का पाक बताया, मृदु मध्य और खर बताया। ओके, अंदर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो एड एट स्टार्टिंग टाइम पल्प ऑफ बिल्ब वाज व्हाइटिश इन कलर, ठीक है, बिल्ब का कलर कैसा था, व्हाइटिश था, एंड आफ्टर 25 मिनट इट वाज चेंज्ड इनटू लाइटिश येलो कलर। ओके, तो आपका व्हाइट कलर से वो येलो कलर हो गया। द बल्ब वाज मिक्स्ड इन गोमूत्र इट वाज कलर चेंज्ड इन द ब्रिक रेड कलर आफ्टर 1 आवर्स, ठीक है। तो गोमूत्र चेंज हो गया ब्रिक कलर में, ठीक है, 1 घंटे के बाद। क्रैकिंग साउंड वाज ऑब्जर्व व्हेन कल्क बोलस वाज एडेड एंड हॉट मस्टर्ड ऑयल, जब हॉट मस्टर्ड ऑयल में हमने कल्क ऐड किया तो उसमें क्रैकिंग साउंड हमें सुनने को मिला एंड ठीक है देखने को मिला। एंड फेनोद्गम वाज सीन ड्यूरिंग तैल सिद्धि लक्षण, और जब तैल सिद्धि लक्षण आए तो उसमें क्या देखने को हुआ हमें, फेनोद्गम प्रकट हुए। एंड उसके बाद कल्क वाज अटेन टू कंसिस्टेंसी और वर्ती इन मध्यम पाक, और कल्क जो है आपके क्या रहे वर्ती मध्यम पाक में दिखाई दिया, ठीक है। ओके, एंड पेपर डिप्ड इन ऑयल, जब हमने पेपर को ऑयल में डिप किया तो उसमें कोई क्रैकिंग साउंड बने नहीं, तो ये आपके तल सिद्धि के लक्षण आपके प्रकट होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और पोसोलॉजी की हम बात करें तो पोसोलॉजी में आपके कर्णपुरण में बताया तेल बिलवादी तेल का उपयोग कहाँ बताया, कर्णपुरण में, तो कर्णपुरण में आप कितना रखेंगे, कर्णपुरण की मात्रा बिलवादी तेल में अप्रोक्स 20 ड्रॉप्स रखी जाएगी। और प्रयोज्य काल आपका 1 टाइम पर डे, एक मतलब पर डे इवनिंग एंड मॉर्निंग एक बार यूज करेंगे, और 100 मात्रा तक उसे धारण किया जाएगा लगभग 5 मिनट तक, ड्यूरेशन में 3 सिटिंग 7 डेज इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आज का टॉपिक जो है बिलवादी तेल कंप्लीट, आज का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका बिलवादी तेल को ही कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।